सुरक्षा। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वह आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, आराधना जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ मित्र? क्या कहा आराधना ने? क्या बताऊं उन्होंने क्या कहा? मेरे मन में तो आया कि मैं उनसे कहूं कि मैं तनु और साहिल की शादी का मुहूर्त निकालवाना कल ही आ रहा हूं, लेकिन पापा, पापा बोले ना पापा, क्या वो कि हमें शादी का मुहूर्त कल निकलवा लेते हैं। हाँ। पापा ये कैसा मजाक था? पूर्वा तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं? वो लोग आते होंगे। हो जाऊंगी माँ। हो जाऊंगी नहीं, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, चलो। माँ जिसकी शादी का मुहूर्त निकलने वाला है वो तो अभी तक सो रहा है, उसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा। वो सो रहा है और नहीं तो क्या, वैसे सोना भी चाहिए। वो क्या है ना, जो रात भर जागेगा दिन में तो सोएगा ही ना। वो रात भर क्यों जागा था? तूने मुझे बताया कि उसे कोई प्रॉब्लम है? हाँ। बताती तब जब ऐसी कोई बात होती। क्यों? ये तो तैयार है। झूठी नहीं, तो मजाक कर रही थी ना। हाँ? वैसे पूर्वा जी अब क्या रीजन बताने वाली थी? पहले काम तो छोड़िए। पक्का बताओगी? हाँ बताओ। आप नहीं आते तब तो बताती ना। अब तो आ गया, अब तो बता दो ना सबके सामने, बोलो। मैं तो यही बताने वाली थी कि आप रात भर तनु भाभी के सपने देख रहे थे। अब तो शर्मा के कहा जा रहा है, और सब जानते कि तू तनु के बारे में सोच रहा। अब तू हंस कर ये चलती है, चल। भाई किस बात पर हंस रहे सब लोग? हमारे घर में ना एक बड़ा जोकर। अच्छा, तो उसने फिर से कुछ इसके पीछे बड़ी रहती है। वैसे एक बात, घर से चली जाएगी विदा होगी, बड़ा खाली है ना सबको। अरे होंठों की मुस्कुराहट, इस घर की खुशी, सब तो वही है ना। हाँ, और सबको सताने वाली भी वही है। अरे भाई मुझे भी इस खुशी में शामिल होने की इजाजत है। अरे आइए। नमस्ते। नमस्ते यार भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। खुश रहो। आइए आइए बैठिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मामा भैया पर तो कोई रहम ही नहीं खा रहा, बेचारे कब से ये सुनने के लिए बेचैन हैं कि उनकी शादी। पुरवा लो भाई, मैं तो इनकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से ये मुझ पर ही नाराज हो रहे हैं। ठीक है, काम करते, पंडित जी को बुला लेते हैं। पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं शादी का दिन और तिथि सब निकलवा कर आया। लीजिए अंकल, तो सारी परेशानियां पहले ही दूर करके आए हैं। अंकल अब जल्दी से ये भी बता दीजिए कि मेरे भैया घोड़ी पे कब चढ़ेंगे। जरूर बता दूंगा बेटा। आराधना जी, शादी का दिन अगले सप्ताह 10 तारीख को है, सोमवार को, और पंडित जी ने कहा है कि इससे अच्छा मुहूर्त अगले 6 महीने। लेकिन मल्होत्रा जी, आपको नहीं लगता कि एक सप्ताह का वक्त बहुत कम है? आराधना जी क्या है, बारात मेरे घर पे आनी है, तैयारी मुझे करनी है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ माँ, हम का ही डेट की टेंशन लेकर भैया का दिल तोड़ रही हैं। माँ इसे प्लीज बोलिए ना, खामोश रहे। क्यों छेड़ रही उसे? अच्छा आराधना जी अब मैं चलूंगा, शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ अंकल, आप भी घर जाके तैयारियां कर लीजिए,
हम भी भैया को तैयार कर देते हैं, मतलब दूल्हा बना देते हैं। मैं होश में आऊ, पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं मैं, पूरी तरह पागल हो चुका हूं मैं, और मेरे इस पागलपन की जिम्मेदार आप। क्या कहा था आपने? मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूं, आपके रहते हुए मेरे सपनों का कोई खून नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ, क्या किया आपने? तनु और साहिल मेरे अरमानों को कुचल के आगे निकल गया और मैं बैठा देखता रह गया। अगर मैंने आपके वादे पर भरोसा नहीं किया होता तो जैसे ही साहिल ने मेरे अरमानों को कुचलने के लिए कदम उठाया था मैं उसका गला काट देता। मयंक, मयंक प्लीज, देखो अब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश मत कीजिए, आप एक अच्छी माँ नहीं है और वो बनने की कोशिश मत कीजिए, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन आने वाला नहीं। तो मेरे साथ? हाँ आपके साथ, आपके साथ इसी तरह बात करूंगा मैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ बात करूं ही थी, मैंने सोच लिया है ना अब मैं किसी से कुछ कहूंगा ना किसी की कोई बात सुनूंगा, जो कुछ करना है वो मैं खुद करूंगा, खुद अपनी बातें सोचूंगा और उन्हें साकार करूंगा, जो भी फैसला होगा वो मेरा अपना होगा। मयंक प्लीज मेरी बस बस मॉम, मैंने आपसे कहा ना मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मयंक का भला चाहता हूं, कोई नहीं, नोबडी। कभी तो दांत दिखाया करो, दिखते ही नहीं है दांत। सही है नाइस। साहिल, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? एक शर्त पर, तुम्हारे प्यार में अगर कभी कमी नहीं होगी तो। वैसे मुझे इस बात पर थोड़ा सा शक है। अपनी बात मेरे ऊपर मत लाओ। मैं जिस इंसान को जीने की तमन्ना होती है वो अपनी धड़कन को कभी काबू नहीं रख सकता, देख लो चूके देख। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। भगवान से यही दुआ करते हैं कि जुदाई का एक सप्ताह बस बिना किसी मुसीबत के कट कट जाएंगे। हाय तनु, हाय साहिल। तुम यहाँ? क्या मैं बैठ सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बैठो ना। तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं कबाब में हड्डी बन चुकी हो? जी आई एम जोकिंग, प्लीज प्लीज। थैंक यू। मैं अपने दुश्मनों से इतना डर गई हूँ कि अपने आसपास अपनों को ही देखना चाहती हूँ। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो कि अब ऐसी बातों का वक्त नहीं है? तुम्हें लग नहीं था मैं ज्यादा थका हुआ हूँ? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तब से समझा ही रहा हूँ इसे। हाँ वो तो दिख ही रहा है। सीरियसली तनु, पुरानी बातों को भूल जाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। और तनु, तुम अपनी जिंदगी एक ऐसे हम सफर के साथ बिताने जा रही हो जिसके करीब होने पर भी कोई लड़की नाज करे। You're so lucky. मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 7 दिन तो क्या, पूरी जिंदगी तुम दोनों के रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग सकती। So don't worry. विनी, तुम हमारे बारे में ये सोच रखती हो, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। लेकिन हर कोई हमारे बारे में यही सोचता था, खासकर मयंक। वो तो ये सोच रहा होगा कि, बल्कि इस वक्त भी वो हमें अलग करने की तमन्ना में ही घूम रहा होगा। तनु प्लीज, मैंने तुम्हें बोला है ना मुझे मयंक का जिक्र तक पसंद नहीं है। साहिब, सफर में निकले हुए इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके रास्ते में कांटे भी हो सकते हैं। लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो तनु कि तुम्हारा हम सफर नहीं हुआ,
और हम अपने इस सफर में किसी भी आने वाले कांटे को उखाड़ कर फेंक देंगे साथ में मिलकर, ये वादा है मेरा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तुम मेरे सामने जरूर आओगे, वो भी ढेर सारे सवालों के साथ, राइट? तुम्हारी एक उम्मीद तो सही निकली, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन दूसरी उम्मीद बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, और वो इसलिए नहीं कि मेरे पास सवाल नहीं है या मेरे पास हिम्मत नहीं है तुमसे सवाल पूछने की, बल्कि इसलिए कि तुम इस लायक नहीं हो विनी आहूजा। तुम एक कंपनी में काम करने वाली मामूली सी मुलाजिम हो और मयंक चौधरी एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक। फिर भी पता नहीं क्यों इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि इस मामूली एम्प्लॉय के सामने तुम्हारा कद कुछ छोटा पड़ गया। मयंक चौधरी का कद इतना ऊंचा है कि उसे कितना भी काट दिया जाए तुमसे ऊंचा ही रहे। हकीकत ना मानने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम पहले से इस बात को मान लेते कि साहिल समुद्र में उठे तूफान में डूब तो सकता है लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं, तो इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। विनी, तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारा साहिल समंदर का साहिल नहीं, वो सिर्फ एक मामूली नदी का साहिल है, और नदी की धारा जब बढ़ती है तो ऐसे साहिल को अपने साथ बहा ले जाती है। चलो एक सेकंड के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि साहिल एक मामूली नदी का किनारा है, तभी भी भूल तुम ही कर रहे हो, क्योंकि तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जब नदी का किनारा काटता है तो वो अपने दायरे को बढ़ा देता है, किनारा कभी खत्म नहीं होता। विनी, इस पूरी दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना फायदे किसी की मदद करे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। अब तुम्हें देखो, तुमने साहिल के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? ना प्यार, ना पैसा। तुमने साहिल के लिए उन लोगों को धोखा दे दिया जिनसे तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो सकता था, लेकिन मयंक चौधरी के हिसाब से अभी भी देर नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दिला सकता हूं, पैसा भी, प्यार भी। तुम्हारे लिए तनु को मैं साहिल से छीन लूंगा। साहिल को तुम अपने करीब कर लो। मिस्टर मयंक चौधरी, प्यार और पैसे को पाने का ये घटिया तरीका तुम किसी और को समझाओ तो बेहतर होगा। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहती हूँ, ना पैसे मेरी कमजोरी है और ना ही मुझे जबरदस्ती का प्यार पसंद है। तनु मेरा प्यार है, उसे तो मैं हासिल कर ही लूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े। एक ना एक दिन साहिल तन्हा होगा, अब तुम उसकी तन्हाई बांटो या ना बांटो। इस भ्रम में मत रहना मिस्टर मयंक चौधरी कि तुम साहिल की खुशियों को छीन सकते हो, तुम साहिल की खुशियों को नहीं छीन सकते, कभी नहीं। तुम इस बात को क्यों नहीं मानते हो कि तुम हार चुके हो? अपनी को मान लो, और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो सोमवार तक इंतजार करो, जब तनु की मांग में तुम्हें साहिल के नाम का सिंदूर दिखाई देगा
तो तुम्हें खुद ब खुद अपनी हार का एहसास हो जाएगा। उनकी शादी के बारे में सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा। तो जरा सोचो, जब सोमवार को शादी हो जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम हार चुके हो मिस्टर मयंक चौधरी, और तुम इस बात को जितना जल्दी स्वीकार लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। यू आर नथिंग बट अ बिग फैट लूजर। चौधरी हार नहीं सकता। नो, नेवर। नहीं आहूजा, नहीं। जो कुछ तुमने कहा वो सच नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तनु को हार कर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता, और अगर मेरी जिंदगी का मतलब नहीं तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को जिंदा रहने का हक कैसे मिल सकता? तनु अगर मेरी होकर भी मेरी नहीं है तो फिर साहिल की क्यों? 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 परेशान तो मैं हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से। मयंक, तुम दूसरों की शराफत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, समझे? और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। क्यों, कैसे, ये सब मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे सामने आकर बैठोगे। इसलिए कल 4 बजे मुझसे मिलने पहुंच जाना। मयंक, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं? तुम्हें आना पड़ेगा तनु, क्योंकि अगर कल 4 बजे तुम मेरे पास नहीं पहुंचे तो 4:10 पर साहिल की लाश तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। साहिल की लाश, साहिल की लाश, साहिल की लाश।